बुरहानपुर में जिला अस्पताल धोखाधड़ी और शासकीय राशि के गबन के मामले में तीसरे आरोपी अशोक पथारे को लालबाग पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अशोक जिला अस्पताल के अकाउंट शाखा का मुख्य बाबू है, जिसके पास से करीब 5,93,000 रुपए नकदी जब्त की गई है। मामले में अभी तक हुई जांच में सामने आया है कि कोरोना काल के दौरान जिला अस्पताल के रेगुलर खाते, रोगी कल्याण समिति व NHM में जुड़े खातों में करीब 8,45,00,000 रुपयों की राशि आई, जिसे अलग अलग नाम के खातों में डालकर निकाला गया है। मामले में पुलिस अधीक्षक बुरहानपुर राहुल कुमार लोढ़ा के निर्देशन और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अंतर सिंह कनेस के मार्गदर्शन में लालबाग पुलिस के द्वारा अस्पताल धोखाधड़ी के मामले को सूक्ष्मता से विवेचना करते हुए साक्ष्य और पूछताछ के आधार पर आरोपियों की गिरफ्तारी लगातार जारी है। वर्ष 2020 और 21 में जिला अस्पताल में हुई धोखाधड़ी और शासकीय राशि के गबन के मामले में लालबाग पुलिस ने जिला अस्पताल के तत्कालीन RMO प्रतीक नवलखे के खिलाफ अपराध दर्ज कर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धाराएं बढ़ाई थी। प्रकरण में पुलिस ने तीसरे आरोपी अशोक पिता तेजराम पठारे उम्र 57 वर्ष को गिरफ्तार कर लिया है। अशोक जिला अस्पताल में लेखा शाखा का मुख्य बाबू है, जिसने वर्ष 2020 और 21 के दौरान शासकीय राशि के फर्जी बिल जारी किए। इसके पहले जिला अस्पताल धोखाधड़ी के मामले में लालबाग पुलिस ने आरोपी संजय दुबे और राजेश निम्भोरकर को गिरफ्तार किया था, जिनके दुबे इंटरप्राइजेस और धनुष इंटरप्राइजेस कंपनी के खातों में मुख्य आरोपी प्रतीक नवलखे के द्वारा शासकीय राशि की धोखाधड़ी कर डाली गई थी। वहीं पुलिस के द्वारा अस्पताल से जब्त रिकॉर्ड में और बैंक खातों की जांच से ये सामने आया कि कोरोना काल के दौरान जिला अस्पताल के विभिन्न खातों में जमा कर 8,45,62,000 रुपयों की राशि की निकासी की गई थी। वहीं मामले में पुलिस के द्वारा बैंकों से अन्य खातों की जानकारी भी प्राप्त की जा रही है। ये मामला धोखाधड़ी और शासकीय राशि का गबन से जुड़ा हुआ है, इसलिए पुलिस के द्वारा विभिन्न पहलुओं की बारीकी से जांच की जा रही है। विराट 24 न्यूज के लिए बुरहानपुर से हेमराज रघुवंशी की रिपोर्ट।